की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन परिंदों की जो आने वाले चंद साल में इस दुनिया से गायब हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इनकी नस्ल अब शायद ही आपको देखने को दोबारा मिलेगी। इसी और वीडियोस के लिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा देना है और नीचे अच्छा सा कमेंट करना है। जो भी बंदा कमेंट करेगा अगली वीडियो में उसका नाम और कमेंट पढ़ूंगा। 10वें नंबर पर आता है गोल्डन फिशन। 41 इंच लंबा ये परिंदा अब शायद ही आपको कहीं देखने को मिले। इसकी वजह ये है कि ये अब इस दुनिया में सिर्फ 1000 रह गए हैं। 9वें नंबर पर बात करें तो 9वें नंबर पर आती है सीबो फ्लावर पैकर। फिलीपींस में पाया जाने वाला ये परिंदा खत्म हो गया था, लेकिन 1992 में दोबारा इसको देखा गया। और बात की जाए अगर अब की तो ये सिर्फ 105 ही इस दुनिया में रह गए हैं। 8वें नंबर पर आता है न्यू कैलिडोनियन आउट। उल्लू की तरह नजर आने वाला ये परिंदा 1880 में आखिरी बार देखा गया था, तो उसके बाद भी इसके कुछ ही परिंदे दोबारा देखे गए हैं और कहा जाता है कि इस तरह के अब सिर्फ 50 ही परिंदे बाकी बचे हैं। 7वें नंबर पर आता है इंपीरियल अमेज़न। इसकी अगर बात की जाए तो 19 इंच का ये खूबसूरत परिंदा ही शर्मीला होता है और शायद यही वजह है कि इसकी नस्ल भी बहुत कम आगे बढ़ती है और इनके सिर्फ 50 ही इस दुनिया में बाकी बचे हैं। 6ठे नंबर पर आती है ब्लू आई ग्राउंड डव। ये डव इस दुनिया में ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। 76 साल तक यही समझा जाता रहा कि ये अब इस दुनिया से खत्म हो चुकी है, लेकिन 2015 में इस बर्ड को दोबारा देखा गया। 5वें नंबर पर आता है काका फू। फ्लाइटलेस यानी बगैर उड़ने वाला ये तोता न्यूजीलैंड में बहुत ही कम देखने को मिलता है और ये भी सिर्फ 50 ही रह गए हैं इस दुनिया में। 4ठे नंबर पर आता है रोफिसियस। फिलीपींस में पाया जाने वाला ये बहुत बहुत ज्यादा कम परिंदा शायद ही किसी को अब देखने को मिले, जिसकी ये वजह है कि ये अब इस दुनिया से बिल्कुल नापायद होते जा रहे हैं और ये सिर्फ चंद ही इस दुनिया में बाकी बचे हैं। 3रे नंबर पर आता है न्यूजीलैंड रॉक वर्म। और चेहरे से उसीला नजर आने वाला ये बहुत ही ज्यादा कम नजर आने लगा है और दोस्तों जिसकी वजह ये बताई जाती है कि इसकी ब्रीडिंग बहुत ही कम बल्कि ना होने के बराबर हो रही है और चंद सालों में ये नापायद हो जाएगा। 2रे नंबर पर आता है सेटरेसनेंस ब्रिफ। ब्राजील में सिर्फ एक ही परिंदा ये बाकी रह चुका है, तो ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये इस नस्ल का आखिरी परिंदा है। ये नंबर पर आता है साउथ फिलीपींस ड्राउट। 130 साल बाद ये परिंदा दोबारा देखा गया था कि बहुत ही खूबसूरत रंगों से सजा है, लेकिन ये परिंदा अब दोबारा से नापायद होता जा रहा है और ये सिर्फ 100 से भी कम इस दुनिया में बाकी रह गए हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है कि कौन सा परिंदा इस दुनिया में सर्वाइव कर जाएगा? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लेना है।